रूपाली गांगुली, मनीषा से अनुपमा तक। रूपाली गांगुली जो हर घर में अनुपमा से जानी जाती है, सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस ही नहीं है, टैलेंट का एक सिंबल भी है जो मिलियंस ऑफ वुमेन के लिए एक इंस्पिरेशन है। लेकिन रूपाली की मनीषा से अनुपमा तक की जर्नी में जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल हर जिंदगी फॉर ऑल एंटरटेनमेंट अपडेट्स। अब चलिए देखते हैं रूपाली की कहानी को, एक जर्नी जो हमेशा इजी नहीं थी। अर्ली लाइफ एंड करियर। आर्टिस्ट की फैमिली में जन्मी रूपाली में एक्टिंग का पैशन बचपन से ही दिखाई देता था। उन्होंने अपना डेब्यू 1996 में सिटकॉम साराभाई वर्सेस साराभाई में किया, बिटी और वाइवेशियस मनीषा का रोल प्ले करते हुए। शो तो सुपर हिट हुआ ही एंड रूपाली को भी शो से काफी फेम मिला एंड उन्हें कॉमेडी की क्वीन से जाना जाने लगा। स्ट्रगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मनीषा के रोल ने उन्हें रिकग्निशन तो दिया, रूपाली अपनी वर्सेटैलिटी प्रूव करना चाहती थी। रूपाली ने उसके बाद काफी डिफरेंट रोल्स किए और हर जॉनर में अपना टैलेंट शोकेस किया, लेकिन इंडस्ट्री में यूथ के ऑब्सेशन ने उनकी अपॉर्चुनिटीज को लिमिट करा था। उन्होंने इंडस्ट्री में काफी रिजेक्शन भी फेस किया और कई बार उन्होंने ये भी सोचा कि शायद उन्हें एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। अनुपमा अ टर्निंग पॉइंट। 2020 में डेस्टिनी ने अपना मैजिक दिखाया। रूपाली को अनुपमा नाम के टेलीविजन शो में मेन कैरेक्टर का रोल ऑफर हुआ। अनुपमा एक मिडिल एज्ड वुमेन की कहानी जो लाइफ के कई चैलेंजेस को फेस करती हैं। ये रोल रूपाली के साथ डीपली कनेक्ट हुआ, उन्हें स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने एंड ऑर्डिनरी वुमेन की स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करने का एक चांस मिला। राइज टू अनप्रेसिडेंटेड फेम। अपने टैलेंट एंड एक्टिंग स्किल से रूपाली ने अनुपमा का रोल इतने अच्छे से जस्टिफाई किया कि उन्होंने मिलियंस ऑफ हार्ट को छू लिया एंड अनुपमा शो एक कल्चरल फिनोमेना बन गया एंड शो ने व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए एंड सोसाइटी नॉर्म्स, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वुमेन की इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी के बारे में काफ़ी सारे डिस्कशन भी छेड़ दिए। फ्रॉम मनीषा पेचेक टू अनुपमा अर्निंग्स। रूपाली की जर्नी फाइनेंशियल सक्सेस की भी कहानी है। उनकी साराभाई वर्सेस साराभाई की पहली सैलरी 5,000 रुपए पर एपिसोड थी, लेकिन आज अनुपमा के लीड रोल में रूपाली इज अर्निंग 3 लाख पर एपिसोड। ये उनकी डेडिकेशन एंड शो की पॉपुलैरिटी का काफी बड़ा प्रूफ है। बियॉन्ड एक्टिंग, द टैलेंट एंड द इम्पैक्ट। रूपाली का टैलेंट एक्टिंग से आगे भी है। वो एक स्किल्ड डांसर, सिंगर एंड सोशल कॉज की एडवोकेट भी हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म को यूज करती हैं विमेन राइट्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस जैसे इश्यूज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने में, एंड रूपाली रियल लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज लाने के लिए काफी लोगों को इंस्पायर करती हैं। व्हाई अनुपमा बिकेम अ फिनोमेना। अनुपमा ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुआ क्योंकि वो एक रिलेटेबल कैरेक्टर की स्टोरी है जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करती है। रूपाली का हार्टफेल्ट पोर्ट्रेयल एंड शो की स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज को सेंसिटिव पोर्ट्रेयल ने व्यूअर्स के साथ एक पावरफुल कनेक्शन क्रिएट किया। अनुपमा एक हाउसहोल्ड नेम एंड रूपाली गांगुली को जेनरेशन के लिए आइकन भी बनाया। शो की कंपेलिंग राइटिंग एंड रूपाली की अमेजिंग एक्टिंग ने अनुपमा शो को एक हाउसहोल्ड नेम एंड रूपाली गांगुली को जेनरेशंस के लिए एक आइकन बना दिया। रूपाली गांगुली की जर्नी टैलेंट की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। रूपाली ने मनीषा से अनुपमा तक खुद को ट्रांसफॉर्म किया एंड सक्सेस को रीडिफाइन भी किया। रूपाली अब विमेन के लिए एक पावरफुल रोल मॉडल बन चुकी है जो कि आज भी अपने सोशल कॉजेस को एडवोकेट करते हुए काफी लोगों को इंस्पायर करती हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको रूपाली की स्टोरी कैसी लगी एंड ऐसी और भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड एंटरटेनमेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हर जिंदगी।